सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों आई होप आप सब ठीक हो गए, मस्त हो गए। दोस्तों अगर आप भी फेसबुक चलाते हो और आप फेसबुक से पैसे कमाना चाहते हो तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, मैं आपको इस वीडियो में पूरा गाइड करूंगा, पूरा बताऊंगा कि किस तरीके से फेसबुक से पैसा मिलता है और किस तरीके से हम फेसबुक से पैसे कमा सकते हैं। देखिए दोस्तों, फेसबुक से पैसे कमाने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले एक पेज बनाना होगा और वो पेज आपको किस तरीके से बनाना है मैं आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। और दोस्तों साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फेसबुक 1000 व्यूज पर कितने पैसे देता है। देखिए दोस्तों, किस तरीके से आपको फेसबुक पेज बनाना और फेसबुक से आपको अर्निंग करनी है। तो दोस्तों फेसबुक पेज बनाना बहुत ही आसान है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेना है और वहां पर जाकर फेसबुक को अपडेट कर लेना है। फेसबुक अपडेट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपना फेसबुक अकाउंट ओपन कर लेना है। जैसा कि मैं यहां पर अपना फेसबुक जो अकाउंट है उसे ओपन कर लेता हूं, कुछ इस तरीके से आप यहां पर स्क्रीन पर देख रहे हो, इस तरीके से मैं अपना फेसबुक अकाउंट ओपन कर लेता हूं। अब यहां पर आपको कोने में एक 3 डॉट का ऑप्शन दिखाई देगा, अगर आपका फेसबुक अपडेट है तब आपको नीचे दिखाई देगा, अगर आपका अपडेट नहीं है तो आपको यहाँ पर ऊपर कोने पर दिखाई देगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, मैंने दोनों जगह आपको बता दिया है। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको इस 3 डॉट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप 3 डॉट पर क्लिक करोगे उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन और दिखाई देगा, सी मोर का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने एक पेज का ऑप्शन दिखाई देगा। आप जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं ये पेज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको क्या करना है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आपने इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने 3 ऑप्शन और खोल के आ जाएंगे। अब ये 3 ऑप्शन कौन कौन से हैं देखिए जान लो, पहला है इनवाइट्स का, दूसरा है हमारा लाइक पेज का और तीसरा है हमारा क्रिएट का। अब आप यही से अपना एक पेज क्रिएट कर सकते हो। पेज क्रिएट करने के लिए हमें पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, क्रिएट पर। क्रिएट पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस लेकर आएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो। यहाँ आपको गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप गेट स्टार्टेड पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक अमेजिंग सा पेज खोलकर आ जाएगा और इस अमेजिंग पेज में आप अपने पेज को एक जादुई नाम दे सकते हो। देखिए किस तरीके से, आप जितना अच्छा अपने पेज का नाम रखोगे ना, आपका पेज उतना ही ज्यादा ग्रो होगा। जैसा कि मैं अपने पेज का नाम डाल देता हूँ यहाँ पर, आप अपने पेज का नाम डालना जो आपके दिमाग में अच्छा नाम आए, पेज का आपको वो डालना है। यहाँ पर मैं यहाँ पर अपना नाम डाल देता हूँ, जेटैक टिप्स। यहाँ पर इतना डालने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन और खुलकर आएगा, एक नया पेज खुलकर आएगा। अब इस पेज में देखिए क्या करना है, यहाँ पर लिखा है व्हाट कैटेगरी बेस्ट डिस्क्राइब जेटैक टिप्स। अब देखिए यहाँ पर फेसबुक कह रहा है आप अपना पेज किस कैटेगरी में बना रहे हो, किस कैटेगरी में रखना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर ना एक कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी। जैसे कि आप YouTube पर कैटेगरी सिलेक्ट करते हो, देखिए कैटेगरी होती क्या है, मान लो मैं एक टेक रिलेटेड वीडियोस बना रहा हूँ तो दोस्तों मेरी जो कैटेगरी होगी वो टेक रिलेटेड होगी, साइंस एवं टेक्नोलॉजी से होगी। तो मैं यहाँ पर टेक सर्च करूंगा तो यहाँ पर मेरी जो कैटेगरी वो निकल कर आ जाएगी। मान लो आप कोई ब्लॉग वीडियोस बनाते हो तो आप यहाँ पर ब्लॉग सर्च कर सकते हो, कोई फूडी वीडियोस बनाते हो तो आप फूड से रिलेटेड यहाँ पर सर्च कर सकते हो। आप उसी कैटेगरीज में अपना पेज को रखना जिस कैटेगरीज की आप वीडियोस बनाते हो, इससे फेसबुक आपके पेज को ज्यादा रिकमेंड करेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देख रहा होगा क्रिएट वाला, आपको इस क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर निकल कर आ जाते हैं जिन्हें आपको एक एक करके फिल करना है, आपको इन्हें सबको भरना है। देखिए दोस्तों, एक अच्छा पेज बनाने के लिए और फेसबुक पर ग्रो करने के लिए हमें फेसबुक की सारी इन्फॉर्मेशन को सही से भरना होगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा जनरल वाला, आपको यहाँ पर जनरल के नीचे बायो का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है और आपको अपने पेज से रिलेटेड यहाँ पर कुछ लिख देना है। आप जो भी इन्फॉर्मेशन अपने ऑडियंस को देना चाहते हो आपको वो यहाँ पर लिख देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हेलो डियर बीवर, वेलकम टू माय पेज। उसके बाद आपके सामने एक ऑप्शन और होगा यहाँ पर कॉन्टैक्ट का। अब कॉन्टैक्ट के नीचे जैसे ही आप देखोगे यहाँ पर वेबसाइट, ईमेल्स और फोन नंबर, इन 3 ऑप्शन को आपको फिल करना है। मान लो अगर आपके पास कोई वेबसाइट है जिस वेबसाइट को आप चलाते हो, कोई भी वेबसाइट हो तो आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट यहाँ पर लिंक कर सकते हो, अगर नहीं है तो इसे स्किप भी कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। और आपको यहाँ पर एक ईमेल भी देना होगा, ईमेल पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ईमेल दे देना है। दोस्तों एक बात का आपको ध्यान रहे, आपको ईमेल यहाँ पर वो बिल्कुल भी नहीं देनी है जिससे आप
ये पेज बना रहे हो या फिर जिससे आपको कोई YouTube चैनल हो, वो ईमेल आपको यहाँ पर बिल्कुल नहीं डालनी है। ईमेल डालने के बाद यहाँ पर आपको अपना फोन नंबर डाल देना है। अगर आप फोन नंबर नहीं डालना चाहते हो तो इसे भी छोड़ सकते हो। अब उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा एड्रेस का, तो आप यहाँ पर अपना एड्रेस भर दो, जिस एरिया में आप रहते हो वहाँ का आप एड्रेस इसमें डाल सकते हो। एड्रेस डालने के बाद आपको अपना एरिया सिलेक्ट करना होगा, किस सिटी में आप रहते हो, किस एरिया में आप रहते हो, आपको यहाँ पर वो सिलेक्ट करना होगा। चलिए मैं यहाँ पर अपना सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर एक जिप कोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको इस जिप कोड में अपना पोस्ट का कोड डाल देना है। जहाँ पर भी आपका पोस्ट लगता हो आप उस पोस्ट का यहाँ पर कोड डाल सकते हो। इतना डालने के बाद आपके सामने तीन ऑप्शन यहाँ पर और भी हैं। अब इन तीन में से एक ऑप्शन को आपको क्लिक करना है, इसे बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि यही वो चीज है जो आपके पेज को आगे ग्रो करेगा। यहाँ पर देखिए लिखा है नो हाउर अवेलेबल, कि आप एक भी घंटे के लिए अवेलेबल नहीं हो अपने पेज पर। आपको इसे बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं करना है। आपको तीसरा वाला ऑप्शन भी बिल्कुल सिलेक्ट नहीं करना है। आपको दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करना है यहाँ पर एलवेस ओपन, तो आपको इस पर क्लिक कर देना। इस तरीके से इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। अब नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होकर आ जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो स्क्रीन पर। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा कैमरे वाला, वहीं पर एक ऑप्शन और कैमरे वाला दिखेगा। तो आप अपना यहाँ से एक बैनर लगा सकते हो और यहीं से आप अपने पेज का एक लोगो लगा सकते हो। देखिए बैनर लगाने के लिए आपको कैमरे वाले आइकन पर क्लिक करना है, उसके बाद में आपको अलाउ कर देना है, फिर अलाउ करना है, फिर आपको यहाँ पर एक बार और अलाउ करना है। उसके बाद आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपको एक बैनर सेलेक्ट कर लेना अच्छा सा। मैं अभी आपको ऐसा ही लगा के दिखा दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से अपने पेज के हिसाब से यहाँ से कोई भी बैनर बढ़िया सा डिजाइन करके यहाँ पर लगा सकते हो। जितना बढ़िया आपका बैनर होगा उतना ही अच्छा पेज आपका दिखेगा। अब देखिए ऐसे ही हम लोगो लगा सकते हैं। यहाँ पर लोगो लगाने के लिए कैमरे वाले पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से भी एक लोगो सिलेक्ट कर लेंगे। इतना सब कुछ करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कनेक्ट व्हाट्सएप टू योर पेज, क्या आप इस पेज को अपने व्हाट्सएप से कनेक्ट करना चाहते हो। अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर देना होगा, अगर नहीं चाहते हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। मैं अपने व्हाट्सएप को पेज से कनेक्ट नहीं करना चाहता हूँ तो मैं इसे स्किप कर देता हूँ इस तरीके से। उसके बाद आपको यहाँ से फिर से नेक्स्ट कर देना है। अब दोस्तों नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन और यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, आपको इन्हें दोनों को ऑन करना है, एक को भी ऑफ नहीं करना है। फिर आपको इसे नेक्स्ट कर देना है, फिर यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से डन कर देना है। इस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हो, अब यहाँ पर आपका जो पेज था वो बनकर तैयार हो चुका है। अब आप इस पर वीडियोस अपलोड कर सकते हो। वीडियोस अपलोड करने के बाद अगर आपकी कोई भी वीडियोस रैंक करती है तो आप यहाँ से अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो, महीने के लाखों रुपए भी कमा सकते हो। फेसबुक पर ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, ऐसे बहुत पेज हैं जो महीने के लाखों रुपए अर्न कर रहे हैं फेसबुक से। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि फेसबुक हमारे 1000 व्यूज पर कितने पैसे देता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर बता दूं, जब मैंने गूगल में डालकर ये सर्च किया कि फेसबुक 1000 व्यूज के कितने पैसे देता है, तो फेसबुक ने कुछ जवाब इस तरीके का दिया जैसा कि आप यहां पर स्क्रीन पर देख रहे हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको बेहद ही पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां पर हमेशा ही आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलेंगी और नई से नई जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।